हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई शॉपिंग इंडिया। इस वीडियो में हमने पोर्टेबल वार्डरोब का रिव्यू किया है जो कि हमने फ्लिपकार्ट से परचेज़ की थी। तो ये वार्डरोब उनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है जो कि फ्रीक्वेंट शिफ्ट करना पड़ता है, जिनको ड्यू टू जॉब ट्रांसफ़र या फिर जो कोई रेंट पर रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमें ये कैसे रिसीव हुई थी। तो सबसे पहले एक बाहर एक हार्ड कार्डबोर्ड बॉक्स था, जिसके अंदर इसका खुद का एक कार्डबोर्ड बॉक्स था, जिसके ऊपर इसका मॉडल नंबर और इसके सारी डिटेल्स लिखी हुई थी। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या रिसीव हुआ है। वैसे ही हमने पहले ही खोल लिया था क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको असेंबल करके रखा हुआ है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले हमें इंस्ट्रक्शन गाइड मिलती है, इसमें कि सब डिटेल्स लिखी हुई हैं कि हमको कौन कौन सा पार्ट्स कितना कितना क्वांटिटी में रिसीव होता है, जैसे कि रॉड्स कितनी मिली हैं, कनेक्टर्स कितने मिले हैं, आउटर कवर कितना है, ये सब लिखा हुआ है और सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि कैसे कैसे हमको इसको असेंबल करना है। इसमें बहुत अच्छे से आप दिया हुआ है, जिसको देखकर हम इसको इजीली असेंबल कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं, ये हमें एक आउटर कवर जो है इसका वो रिसीव हुआ है। इसमें मरून कलर से सिलेक्ट किया था तो वो मरून कलर का बाहर का कवर है। उसके अलावा हमें ये बीच के शेल्स रिसीव हुए हैं, सॉरी, जो कि जिसके साइड में किनारी लगी हुई हैं, जिसमें कि हमको रॉड्स को इंसर्ट करना है। इसके अलावा ये दो ये हैंगिंग रॉड्स मिली हैं और इसके अलावा ये 70 हमें ये प्लेन रॉड्स मिली हैं। ये स्टील की रॉड्स हैं, ये सब रॉड्स मिलकर ही इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगी। और इसके अलावा हमको कुछ कनेक्टर्स रिसीव होते हैं अलग अलग तरीके के लाइक हमको फोर फेस मिलते हैं, थ्री फेस मिलते हैं, स्ट्रेट मिलता है, क्रॉस जॉइंट्स मिलते हैं। ये देखिए, ये फोर फेस है, इसमें कि फोर रॉड्स कनेक्ट करेगा ये। ये स्ट्रेट है, इसमें दो रॉड्स जाएंगे। और ये इसका आउटर कवर। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं कि हमें इसको असेंबल कैसे करना है। वैसे हमने इसको थोड़ा असेंबल करके रखा हुआ है जिससे कि हमें वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये देखिए, ये सब जॉइंट्स हैं, किस किस तरीके से ये कनेक्टर्स इसको कनेक्ट करते हैं। कुछ दो रॉड्स को कनेक्ट करते हैं, कुछ थ्री को, कुछ फोर को। और ये देखिए, नीचे वाला क्रॉस जॉइंट है। तो हमें इंस्ट्रक्शन गाइड को फॉलो करते हुए सभी कनेक्टर्स और रॉड्स को जॉइन करके इसका एक स्ट्रक्चर तैयार करना है। यहाँ पे मेरे ब्रदर और सिस्टर दोनों मिलकर इसको असेंबल कर रहे हैं। देखिए, इसको ऐसे जॉइन कर सकते हैं। अगर इसकी क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी इज़ काइंड ऑफ एवरेज। तो अगर आप अपना कोई हैवी प्रोडक्ट्स इसमें स्टोर करने के लिए इसको परचेज कर रहे हैं तो प्लीज़ डोंट बाय। लेकिन हाँ, अगर आप कुछ अपने क्लॉथ्स, एक्सेसरीज या बैग्स या शूज़ वगैरह के को स्टोर करने के लिए इसको लेना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप इजीली वो सब स्टोर कर सकते हैं। या छोटे मोटे जो हाउस होल्ड आइटम्स जो इधर उधर बिखरे रहते हैं, हम उनको भी इसमें अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो देखिए, ये इस तरीके का स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है और हमें इसमें काफ़ी अच्छा स्टोरेज मिल जाता है। इसमें टोटल हमको 6 बॉक्सेस मिल जाते हैं और 2 हैंगिंग सेक्शंस मिल जाते हैं, जिसमें कि हम अपने क्लॉथ्स को हैंग भी कर सकते हैं।
साइड। तो अभी ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा तैयार है, अभी हम इसका आउटर कवर डालकर देख लेते हैं इसका एक ओवरऑल लुक। और ये है इसका फिनिश लुक। इसको हमने फ्लिपकार्ट से 1450 रुपीज़ में परचेज किया था। अगर आपको ये वार्डरोब पसंद आई है और आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे दिए हैं, आप उसको फॉलो करके इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें जिपर लॉक है, 4 जिपर लॉक दिए हुए हैं जिससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने सामान। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी आपको और आप इसके अलावा और किन प्रोडक्ट्स के रिव्यू देखना चाहते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर हिट करें जिससे हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। Thanks for watching.